नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार यूथ एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर कैसे जल्दी से हल कर सकते। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, एक आदमी ने 500 मीटर बिजली का तार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा, उसने 50% हिस्सा 5% के लाभ पर बेचा, पूरे लेन देन पर 10% का लाभ पाने के लिए उसने शेष हिस्सा जो है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने दो टुकड़े किए हैं, एक 50% और दूसरा 50% होगा। पहले हिस्से को उसने 5% के लाभ पर बेच दिया है, तो ज्ञात करना है कि अगर वह 10% का पूरे लेन देन पे लाभ पाता है तो उसने दूसरा हिस्सा कितने पे बेचा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पहला हिस्सा 50%, तो दूसरा हिस्सा भी 50% रहेगा। इस पे पहले हिस्से पे दिया हुआ है कि उसने 5% का लाभ कमाया, प्लस 5 लिख देते हैं, और दिया है कि पूरे लेन देन पर 10% का लाभ पाया है, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे कि प्लस 10%। यहां मान लेते हैं कि इसने y प्रतिशत लाभ पे बेचा होगा, तो y यहां पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनके अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1:1। अब इनको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 10-5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और y माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 10। तो यहां से हमारे पास अनुपात आ गया इनका y माइनस 10 अपॉन 5, ये बराबर होना चाहिए 1:1 के। तो यहां से कह सकते हैं कि y माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू होना चाहिए 1:1, मतलब कि यहां से y माइनस 10 बराबर आ जाएगा 5 के, तो y का मान आ जाएगा 15%। 15% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें दिया है, एक खेत का 2/3 भाग 5% के लाभ पर और शेष 2% की हानि पर बेचा गया है, यदि कुल लाभ 400 रुपए का था तो माल का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कुल माल जो था हमारे पास 3 इकाई था, और इसके दो टुकड़े किए गए, इसका 2/3 लिया गया तो 2 हो गया, और यहां से दूसरा टुकड़ा जो रह गया वो 1 रह गया। तो ये हमारे पास इसका जो अनुपात है माल का वो 2:1 रह गया है। तो यहाँ पे दिया है कि 2/3 जो भाग है वो 5% के लाभ पर, मतलब इसको तो प्लस 5% पे बेचा है, और दिया है शेष जो है 2% की हानि, मतलब यहां मान लेते हैं -2%। तो पहले निकाल लेते हैं कि कुल लेन देन पर कितना लाभ हुआ होगा, तो निकालते हैं कि ये मान लेते हैं वाई प्रतिशत है, तो यहां से हम माइनस करते हैं, ये 5-y आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास y में से -2 माइनस करेंगे तो ये जाएगा y+2। तो इनका अनुपात हमारे हिसाब से आ गया है कि y+2 और ये 5-y, तो ये बराबर होना चाहिए 2:1 के। तो लिखते हैं कि y+2 अपॉन 5-y ये बराबर होना चाहिए 2:1, ठीक है। यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा y+2 और 5 × 10 - 2y, और सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा y+2y = 8। तो यहां से आ गया हमारे पास कि y का मान जो आने वाला है 8/3%, 8/3% का लाभ हुआ है, और दिया है ये लाभ जो है ये 400 रुपए के बराबर था, क्योंकि दिया है कुल लाभ 400 रुपए था। यहां लिखते हैं कि 8/3% ये इक्विलेंट है 400 रुपए के, तो यहां से 1% का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8×40, 50 × 3 करेंगे तो 150, तो 1% जो है 150 के बराबर आ गया है। तो हमें माल का मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 × 100 करने पर 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, एक आदमी कृषि भूमि का एक खेत 3,60,000 रुपए में खरीदता है, वह 25% के लाभ पर 2/5 हिस्से को बेचता है, मतलब कि 2/5 भाग को बेचता है, और 10% का वो टोटल लाभ, समग्र लाभ, मतलब कि कुल लाभ अर्जित करना चाहता है, तो शेष खेत जो है उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं कि माना जो कुल हिस्से थे वो 5 थे, 5 भाग खेत था, उसमें से 2 भाग को तो उसने 25% के लाभ पर बेचा, तो यहां लिखते हैं प्लस 25%, और जो बचा हुआ 3 हिस्सा है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो पहले हम इसको y प्रतिशत मान लेते हैं, और उसको 10% का टोटल लाभ होना चाहिए, तो प्लस 10 लिख देते हैं यहां। तो यहां माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, और इधर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 10-y। अब 10-y अनुपात 15 करे तो यह आना चाहिए 2:3 के, तो 2:3 बराबर आना चाहिए 10-y/15। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3×5 = 15, और 5 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10-y ऐसे कैसे, तो यहां से y का मान आ गया हमारे पास 0%, मतलब उसे जो बचा हुआ जो 3 भाग है उसे ना तो प्रॉफिट कमाना है और ना ही लॉस कमाना है, इसलिए 0% आ गया। तो हम निकाल लेते हैं कि 3 भाग का जो मान होगा
वह उसी के उसी रेट पे बेच देगा। लिखते हैं कि 360,000 जो था उसके 5 हिस्से करने हैं और 3 हिस्से का मान निकाल लेना है। तो यहां से हम करते हैं 5 सत्ते 35 और 5 दुनी 10 और ये 72,000 आ गया टोटल। और 3 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो ऐसे कैसे, 3 दुनी 6 और 7 या 21, तो 216,000 रुपए में वह बेचेगा। तो ऑप्शन सी उसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया हुआ है, एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 20% लाभ पर, शेष का आधा कपड़ा 20% की हानि पर और शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना हुआ है, ये ज्ञात करना है हमें। तो मान लेते हैं उसके पास टोटल जो कपड़ा था वो 4 भाग था, उसमें से आधा कपड़ा मतलब कि 2 भाग जो है उसने बेच दिया है 20% लाभ पर, तो यहाँ पे लिखा हमने +20%। और जो शेष का आधा कपड़ा है वो 20% की हानि पर बेचा है, तो शेष का आधा हो जाएगा 1 भाग और इसको बेचा है उसने -20% पर। और शेष जो बचा हुआ है 1 भाग है उसके लिए दिया है कि उसने क्रय मूल्य पर बेचा है, तो यहाँ पे उसने 0% लाभ या फिर हानि कमाया है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है कुल लेन देन में उसका कितना लाभ या हानि हुआ है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो भारित माध्य जो होता है उसमें क्या करते हैं कि 20 गुणा 2 करेंगे, फिर अगला करेंगे हम प्लस करके ये -20 गुणा 1 करेंगे और ये 0 गुणा 1 करने पे 0 हो गया। और यहां पे हम जोड़ के रख देंगे इनको 2 + 1 + 1, तो टोटल 4 भाग आ गया है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 40 - 20/4 और 20/4 करने पे आ गया हमारे पास कि 5% जो है उसको लाभ हुआ है। 5% लाभ इसका आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट। अगले प्रश्न में दिया है, एक व्यापारी एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदता है, वह उन्हें घड़ी पर 10% और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ कमाकर बेचता है और वह 51.5 रुपए का लाभ अर्जित करता है। तो हमें ज्ञात करना है कि दीवार घड़ी और घड़ी की मूल कीमत के बीच का अंतर कितना है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि जो कुल खरीदा है उसने 390 रुपए में खरीदा है और दिया है कि उसने एक तो घड़ी खरीदी है और एक दीवार घड़ी खरीदी है। दिया है कि उसने घड़ी पर 10% का लाभ कमाया है, तो 390 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39 और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ कमाया है, तो यहां पे निकालते हैं 15%, तो 10% तो हो गया हमारे पास 39 और जो 5% आ जाएगा 19.5 और इनको जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 58.5। और हमें दिया हुआ है कि कुल जो लाभ होता है वो 51.5 का होता है, तो 51.5 यहां बीच में लिख देते हैं। अब इनका अंतर ले लेते हैं, तो अंतर लेने पे ये आ जाएगा हमारे पास 51.5 माइनस 39 करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 और यहां से ये अंतर आ जाएगा हमारे पास 7 का। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल हो रहा है ये हो रहा है 19.5। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस 19.5 भाग का मान जो है 390 के बराबर है, तो यहां से लिखते हैं 19.5 ये बराबर होना चाहिए 390 के, तो एक भाग का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 390/19.5, तो यहां से ये आ जाएगा 20। तो एक भाग का मान 20 के बराबर आ गया है, तो हमको यहां से निकालना है कि ये वाला जो अंतर है ये कितना है, यहां से ये 5.5 का अंतर है, तो 5.5 के लिए हम गुणा कर देते हैं 20 से, तो 20 गुणा 5.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 × 110 और ये 0 और ये हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 110 रुपए जो है उनके बीच का अंतर रहेगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।